84 लाख योनियों में मृत्यु का ही क्लेश सबको सता रहा है। अहम क्लेशो भवति सर्वजीवो भयांत रूपेण कृतम दृश्यामि मृत्यु। हम सभी मनुष्य बड़े पढ़े लिखे हैं, पर मृत्यु के भय से सभी भयभीत हैं, सब परेशान हैं। हमको मौत ना आए इसलिए चौकट पे कुछ उनको ठोक के रखते घरों में है। हमारे भरत जी ने दरवाजे पे बहुत सामान लटकाया हुआ है, है? आप लोगों ने भी ये किया होगा, अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र नारियल सुपारी टोटके हम लोग चौकट पे लटका के रखते हैं। क्यों? सीधा सा इशारा है, क्यों रखते हैं? क्योंकि भय लगता है, डर लगता है, और डर का जो समाधान है वो पाखंड में है। लोगों को डर का समाधान पाखंड में दिखता है और उस तरह का वो करते हैं तो उनको लगता है कि अब हम निश्चिंत हो गए, अब हमारे को कोई डर नहीं है। पर दरवाजा खुला हुआ है तब मौत आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत लोग दरवाजा अंदर से लगा के सोते हैं तो सुबह सोते ही रही जाते हैं, उनका दरवाजा खुला नहीं तो तंत्र मंत्र जो है वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि मौत वहां से आई नहीं है। मुख्य दरवाजे से मृत्यु नहीं आती है, वहां से फूफा जी आएंगे, जीजा जी आएंगे, मामा आएंगे, प्लेम्बर आएगा वहां से, इंजीनियर आएगा, पर मृत्यु वहां से नहीं आती है जहां से तुमने टोटका करके रखा हुआ है। भगवान वेद क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी क्या कहती है? वेद भगवान कहते हैं अभयम कुरु दभयम कुरु जाताम दभयम परोक्षात। भगवान कहते हैं कि जब तक तेरे अंदर भय है तब तक तू पराजित ही होता रहेगा, कभी जीत नहीं पाएगा। जीतने के लिए आदमी को निर्भय होना पड़ता है। पर मुश्किल क्या है हमारी, अगर हम निडर हो गए तो हम भक्ति नहीं करेंगे, हमारी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रहेगी। निश्चल और निडर भगवान को प्रिय लगता है सब, और वो कह रहे हैं कि तू ये बन। दूसरा वो दूसरी पंक्ति में कहते हैं अभयम मित्राम दभयम मित्राम। अगर तू संसार के इन आडंबरों से नहीं डरता तो तू मेरा मित्र बन सकता है। अभयम मित्राम दभयम, परमात्मा को जिसने मित्र मान लिया फिर उसे संसार में किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका डर समाप्त हो जाता है। तो डर कैसे मिटता है उनका, तो भगवान कहते हैं डर इसलिए मिट जाता है कि मैं उसके ऊपर कवच बन जाता हूं, कवर, मैं उसे कवर कर लेता हूं, मेरी परछाई के अंदर वो आ जाता है जो मुझे मित्रवत देखता है।